सामने की ब्यूटी देखो कितना सुंदर हो गया व्यू। तो भाई यहाँ से ले है 400 किलोमीटर कारगिल 174। मैं आ गई इनको गुड़गांव ले जाऊँ क्या? जन्नत वर्ड भी कम है यहाँ के लिए। ये सामने भाई ग्लेशियर है, व्हाइट व्हाइट देख रहे हो ना, लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है धीरे धीरे। ये सामने का व्यू देखो भाई, सारे स्नो वाले माउंटेन्स हैं। वो विंटर्स में यहाँ पे सारा व्हाइट होता है। यहाँ खड़े रहो ना तो बस आप देखते रहो। अपना जो रूम है ईस्ट फेसिंग है, सनराइज हुआ भाई बिल्कुल सामने, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, एंड सीधा सनराइज अपने रूम के अंदर और नींद खुली भाई इतनी मज़ेदार। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो भाई अभी सुबह के 7:45 हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैं उठा हूँ, एंड रात को भाई सोते थे अपने को 3:30 बज चुके थे, होटल पहुँच गए थे लगभग 11:30-11 बजे। देन उसके बाद थोड़ा बहुत काम के डेटा ट्रांसफर किया, देन अपना लेट हो गया था सोते होते में। तो अभी का सीन कुछ ऐसे रहने वाला है, यहाँ से अब निकलने वाले हैं सोनमार्ग के लिए, जो यहाँ से अराउंड है 80-85 किलोमीटर, लगभग 2.5 घंटे लगने वाले हैं पहुँचने में। अभी इसलिए निकलने वाले हैं, सुबह सुबह ट्रैफिक थोड़ा कम होता है तो इसलिए हम अभी अर्ली मॉर्निंग ही निकलने वाले हैं। ज़्यादा लेट निकलेंगे तो फिर रास्ते में ट्रैफिक वगैरह मिलता है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में रेडी होके, एंड देन यहाँ से निकलते हैं। सो भाई रेडी हो चुके हैं और अभी यहाँ से निकल रहे हैं, सामान अपना सर नीचे पहुँच चुका है। चलो भाई सोनमार्ग, सामान अपना सारा गाड़ी में रख दिया हमने और अब हम सोनमार्ग के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। अभी देखते हैं जीपीएस में कितनी देर लगती है। तो इस ब्यूटीफुल से प्रॉपर्टी को बाबा बोलने का टाइम आ गया, जीपीएस हमने ऑन कर दिया है, अभी सोनमार्ग के लिए दिखा रहा है। यहाँ से 2 घंटे 15 मिनट 81 किलोमीटर है। डल लेक को भी बाय बाय बोल रहे थे हम। कर दो लबल, फुल कर दो भाई। यहाँ पे रेट है फ्यूल का 102 रुपीज़ पर लीटर और अपने गुड़गांव में है 97 जो भी रेट चल रहा है, तो लगभग 5 रुपये का फ़र्क है यहाँ पे। तो भाई यहाँ कटेगी पर्ची, ये किस चीज़ का भैया? ये डिस्ट्रिक्ट एंट्री है नागरपाड़ी जाने के लिए, सोनमार्ग लद्दाख कारगिल के लिए सर। अच्छा, सोनमार्ग लद्दाख और कारगिल के। अच्छा 150 सर, 100 रुपये रसीद का और लंगर के लिए 50। 50 का पर्ची लगा रहा है यहाँ हमारी कटी है भाई, पर्ची 100 रुपये की ले लद्दाख कारगिल और सोनमार्ग का, इसमें इंक्लूड है, मतलब इसमें वन डे का लिखा हुआ है, और 50 रुपये लिए लंगर के, जिसकी कोई पर्ची नहीं दी। ओ वाह यार देखिए इतना सुंदर लग रहा है भाई। सामने की ब्यूटी देखो कितना सुंदर हो गया व्यू, और अभी तो और ब्यूटीफुल होएगा धीरे धीरे हम आगे जाते जाएंगे ना। तो भाई यहाँ से ले है 400 किलोमीटर कारगिल 174 ड्रास 117, एंड हम अभी 30 किलोमीटर कवर कर चुके हैं श्रीनगर से, एंड अभी ये टोटल हमारा डिस्टेंस रहता है 54 किलोमीटर यहाँ से, लगभग हमारे को 1.5 घंटा और लगने वाला है। देख सामने, देख सामने रिवर, देख सामने कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। भाई देखो अपने साथ साथ रिवर चल रही है और इतना माइंड ब्लोइंग व्यू आ रहा है ना यहाँ पे। अभी ऊपर और अच्छा देखेगा, अभी तो हम साथ साथ चल रहे हैं ना तो बीच बीच में गायब हो जाती है रिवर। अब हम चढ़ेंगे भाई पहाड़ों में, अभी तक सिटी एरिया था, अब धीरे धीरे माउंटेन्स में चढ़ जाएंगे। सोनमार्ग 47 किलोमीटर फ्रॉम हियर। भाई यहाँ की मैं आ गई, मैं जो बिल्कुल ले लो मैं। वाओ यार कितनी क्यूट लग रही है सारी की सारी, है ना। मैं आ गई इनको गुड़गांव ले जाऊं क्या? चलो ले चलो। कितनी क्यूट है सारी। टॉयज जैसी लग रही, छोटे छोटे टॉयज होते हैं। गाना गाती है पूरी, मैं एक ले लेते हैं कितने की है। ये तो हर साल वो करते हैं, इनकी वूल उतरती है, आप उतारोगे बैठ के? क्या व्यू है यार, मेस्मराइजिंग ब्यूटी, सीरियसली भाई जन्नत है सच में, जन्नत। जन्नत वर्ड भी कम है यहाँ के लिए, सही बताऊँ तो मैं, ये भी छोटा सा वर्ड है,
इतना ब्यूटीफुल है। कितने शांति जा रहे हैं आराम से। इनमें से कोई उठा लेंगे बढ़िया सी मैं। वो सामने देखो भाई कितने छोटे छोटे पेड़ थे, जैसे किसी ने वो पिक्चर चिपका दी हो, देख रही है। और अलग ही व्यू है भाई, बिल्कुल अलग व्यू एकदम। यार इतना सुंदर पहला प्लेस मुझे ऐसा लग रहा है। हमारा डिस्टेंस कितना रहता है अभी? सोनमार्ग जस्ट 26 नाउ। अपना डिस्टेंस भाई अभी रहता है यहाँ से 25 किलोमीटर्स एंड 55 मिनट्स दिखा रहा है। 10:22 पे हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, 10:30 तक। मैंने इतना सुंदर प्लेस कभी नहीं देखा है, बहुत सुंदर है। फाइनली भाई स्नो दिखना शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं माउंटेन्स व्हाइट होते जा रहे हैं। सामने रहे ग्लेशियर वाले माउंटेन्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स। ये सामने भाई ग्लेशियर है, वाइट वाइट देख रहे हो ना जो आप, ये पुराना हो चुका है काफी, तभी ऐसा हो चुका है ब्लैक एंड मिट्टी विट्टी सारी भर चुकी है इसमें। एंड जस्ट साथ में हमारे रिवर है, वो देखो भाई सामने अब क्लियर दिख रही है बिल्कुल स्नो। अब आ रही है लेह वाली फीलिंग, लद्दाख वाली फीलिंग आ रही है धीरे धीरे। यहाँ भी जोजिला प्रोजेक्ट के पास में यहाँ पे भी नई नई रोड्स बन रही हैं। कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अभी आने वाले कुछ सालों के अंदर कि न्यू टनल्स बन रही हैं। मतलब अगर आप कुछ टाइम के बाद आओगे तो आपको ट्रेवल टाइम काफ़ी कम लगेगा। वेलकम टू सोनमार्ग द गोल्डन मेडो। क्या बात है, फाइनली हम सोनमार्ग में एंटर कर चुके हैं। बट जो मेन डेस्टिनेशन है ना जो हमें जाना है वो भी 9 किलोमीटर यहाँ से और है। मतलब हम सोनमार्ग डिस्ट्रिक्ट में हम एंटर कर चुके हैं। अभी हम हैं श्रीनगर लेह हाईवे पे। ये रूट सीधा ले जाता है, मतलब कारगिल वाला जो रूट है ना, फिर आगे आप द्रास कारगिल लेह एंड ये आप करते करते ऐसे मनाली वाले रूट से अपने दिल्ली निकल सकते हो। सर ये पर्ची अलग है। वेलकम टू सोनमार्ग। तो भाई सोनमार्ग से जस्ट पहले 110 रुपीज की एक स्लिप कटती है। फाइनली वी हैव रीच्ड सोनमार्ग एंड लगभग हमारे को 3 घंटे लगे हैं। एंड भाई सामने का व्यू देखो भाई, सारे स्नो वाले माउंटेन्स हैं एंड आसपास ऊपर भी सारी बर्फ है इस टाइम पे। अभी वेदर अराउंड यहाँ पे 20 डिग्री के आसपास होगा। तो अभी पहले हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि भाई सुबह से निकले हुए हैं, 5:30 से उठा हुआ हूँ मैं एंड अभी हमने कोई ब्रेकफास्ट भी नहीं करा क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। इसीलिए अभी यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए होटल सोनमार्ग ग्लेशियर। यहाँ पे सारे होटल्स ही हैं। तो भाई गाड़ी हमने होटल में खड़ी कर दिया, ब्रेकफास्ट वहीं पर अपना कर लिया। अब थोड़ा पैदल घूम रहे हैं इधर एंड सामने का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। भाई देखो यहाँ सारे स्नो स्नो है हर जगह पे भाई, इतना अमेजिंग यहाँ पे भी व्यू आ रहा है। सीरियसली आई एम स्पेल बाउंडेड बाय दिस व्यू। एंड माउंटेन्स देखो भाई, कितने ह्यूज माउंटेन्स हैं यहाँ पे।
तो भाई अब इस जगह को बाय बाय बोलने का टाइम। तो यहाँ थोड़े बहुत फोटो शूट वगैरह कर लिए हमने, अभी ऊपर नहीं गए हम क्योंकि ना जो भी बर्फ़ है वो सारी बची हुई बर्फ़ है, जो मेन यहाँ पे स्नो होती है ना वो सारी विंटर्स में ही होती है, इसलिए ऊपर जाने का प्लान मैंने कैंसिल कर दिया। दो तीन लोगों से मैंने पूछ भी लिया था जो भी ऊपर से होकर आ रहे हैं ना नीचे, तो ज़्यादा बर्फ़ ऊपर है नहीं तो अननेसेसरली ऊपर जाने का कोई फ़ायदा है नहीं, और वैसे भी विंटर्स में ही ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ पे। बट अभी भी जो है ना वो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है पीछे, आप देख सकते हो स्नो कितनी है, बहुत अमेजिंग इस टाइम पे हो रखा है यहाँ पे। एंड वेदर भी काफ़ी अच्छा है, प्लेजेंट है, मतलब आपको गर्मी भी लगेगी सर्दी भी लगेगी जून के अंदर। अब यहाँ से निकल रहे हैं हम, ये पापा मम्मी बैठ के अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, मैंने थोड़ी बहुत अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं, वीडियोज़ बनाई हैं जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज में मिलेगी, इंस्टाग्राम आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में, उसका यूज़र नेम भी आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। अब हम यहाँ से शायद पहलगाम जाएंगे या श्रीनगर, देखते हैं वो भी, क्योंकि सोनमार्ग से पहलगाम लगते हैं अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 घंटे अगर ट्रैफिक नहीं हुआ तो, और अगर हम जाते हैं श्रीनगर तो यहाँ से 80 किलोमीटर है। बट यहाँ हम नहीं रुक रहे हैं, विंटर में फ़ायदा है यहाँ रुकने का ना। भाई होटल पहुँच चुका हूँ मैं, अपनी गाड़ी यहीं पार्क कर दी थी, अब यहाँ से निकल रहे हैं सोनमार्ग से, लगभग हमने 1.5-2 घंटा यहाँ स्पेंड कर लिया। जो मेन स्नो होती है ना वो विंटर्स में यहाँ पे सारा वाइट होता है, 21 डिग्री है बट धूप तेज़ लग रही है यहाँ पे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं श्रीनगर वापस से उसी होटल में जा रहे हैं जिसमें से हमने चेकआउट किया था, एंड लगभग हम यहाँ से 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 80-85 किलोमीटर ही हैं। तो भाई अभी हम आ रहे थे ना रास्ते में, इतना अच्छा व्यू आया यहाँ पे, सामने व्यू देखो भाई, गाड़ी अपने सामने खड़ी रही, देखो सामने, मतलब आसपास की ना एनवायरनमेंट देखो कितना अमेजिंग लग रहा है ना, मतलब इतना मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ पे, कितना ऑसम लग रहा है यार, मतलब यहाँ खड़े रहो ना तो बस आप देखते रहो, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जब तक आप खुद लाइव नहीं देखते ना तो आपको पता नहीं चलता कि वो कितना ब्यूटीफुल है। तो भाई यहाँ पे जाम लग गया, काफ़ी देर हो गई है हमें खड़े खड़े, एंड अभी भी यहाँ पे 74 किलोमीटर दिखा रहा है हमारे को, अभी टोटल 2 घंटे और लगेंगे, ज़्यादा भी लग सकते हैं। अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके ट्रैफिक आ रहा है देखो, मतलब 15-15 मिनट रुक के 2 मिनट चलते हैं बस, ये चल रहा है अभी, तो तब तक हम अपने यहाँ पे जो रिवर है ना उसको देखते हुए ऐसे बैठे बैठे इन्जॉय कर रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर में, 3 घंटे से ज़्यादा लग गए हमारे को, लगभग 4 घंटे लग गए इनफैक्ट, और अपने वही वाले होटल में जा रहे हैं हम। वेलकम बैक, खुशी से हो रही है ना यहाँ पहुंच के, घर आ गए जैसे अपने। भाई हम तो अपने उसी होटल में आ चुके हैं, अभी हमारे को नीचे वाला रूम मिल गया, पहले हमारा ऊपर था अब नीचे मिल गया। ये हमने फैमिली रूम लिया है, एक रूम यहाँ पे है एक रूम यहाँ पे है, मतलब सेट बना हुआ है, एक वन कंप्लीट सेट ये वाला हो गया, एक कंप्लीट सेट ये वाला हो गया, तो बढ़िया है। अभी हम वापस निकले हैं कुछ खाने पीने के लिए, थोड़ी देर रेस्ट किया 10-15 मिनट, अब बाहर जो मार्केट रोड है डल लेक की जैसे आपको पहले दिखाए थे मैंने, अब कुछ खा रही है यहाँ पे, एंड मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर सारा देखो ब्लैक आउट होने वाला, हल्का हल्का हो रहा है, इनफैक्ट बारिश आ भी सकती है, अगर आ जाएगी तो जितनी अभी ब्यूटी है और एनहांस हो जाएगी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर ना वापस से। अच्छा हम सोनमार्ग से वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे अगर देखो विंटर है तो आप स्नो का एंजॉय कर सकते हो, जो अभी स्नो थी वो बहुत ऊपर जा कर के थी और वो बचे बचे स्नो थी, तो इसलिए हमने वहाँ पर ज़्यादा रुके नहीं, थोड़ा बहुत मतलब घूमे ऊपर, फोटो वगैरह क्लिक कराई और अपना वापस आ गए। 3-4 घंटे लगते हैं भाई जाने में और 3-4 घंटे आने में, ठीक है, बाकी अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो फिर और देर भी लग सकती है। तो सामने डल लेक आ चुका है। हाँ भाई क्या हाल है,
हम आगे वापस यहाँ पे नथु स्वीट्स पे कुछ खाने पीने के लिए। तो भाई हम अपने होटल वापस आ चुके हैं और साथ में लाए कुछ स्नैक्स। यहाँ पर अभी चाय ऑर्डर कर दिया हमने। गुड इवनिंग जी, यहीं रख दीजिए, कोई यहीं रख दीजिए, कोई बात नहीं। ओके थैंक यू भैया। ओके ओके थैंक यू। लो करो स्टार्ट पार्टी अपनी। यहाँ हमारी चल रही है चाय। ये लड़की भर के लाई है सारा कुछ, मैं कुछ भी ले जाने आया, तू भर के लाई है ये सब कुछ। हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई रात को जब अपना यहाँ पहुँचे, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, देन उसके बाद भाई जो नींद आई ना मस्त एकदम। अभी मैं अराउंड 7:45 के आसपास उठा था एंड आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं पहलगाम के लिए। एंड आज हम पहलगाम एक्सप्लोर करने वाले अच्छे से। श्रीनगर से आज हम यहाँ से चेकआउट कर जाएंगे एंड यहाँ पर वापस नहीं आएंगे, हम वहीं पर स्टे करेंगे। जैसे हम कल सोमवार गए थे तो हमने वहाँ पर स्टे नहीं किया था, हम वापस श्रीनगर आ गए थे, बट हम यहाँ से आज चेकआउट करने के बाद पहलगाम में स्टे करने वाले हैं। देन वहीं से ही अगले दिन हम अपना गुड़गांव के लिए निकल जाएंगे। तो अभी बस रेडी होना है, अभी ऐसे वॉक करते करते थोड़ा बाहर आ गया हूँ, अच्छा लग रहा था सुबह सुबह। एंड मैं होप करता हूँ भाई आपको श्रीनगर वाली सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी। एंड ऐसे अपना प्यार देते रहना, वीडियोज़ को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में आपको कोई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो देन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।